सबसे ज्यादा दर्द कब होता है पता है? एक्स के जाने का भी इतना दर्द नहीं होता जितना दर्द होता है अटेम्प्ट लगने का, क्योंकि वापस से वही बुक खोल के फिर से कलर कर, अब पता है क्या होगा, अब एक ऐसा मूवमेंट आएगा जब तुम माइट भी, अगर किसी के दो अटेम्प्ट हो गए होंगे ना, इनफैक्ट वो बुक खोलेगा ना उसको दिखेगा आंसर क्या है, अरे इसका आंसर तो यही आने वाला है, अरे इसमें तो यही एडजस्टमेंट है। पर यहां पॉइंट पता है क्या है, आपने आंसर को देखा है इसलिए याद है, सॉल्व किया होता तो वहां पे भी जमता, देखा है इसलिए कंफर्म याद है, दृश्यम जो देखा है वो याद रहेगा, 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर वहां गए थे, देखा है याद है, सॉल्व नहीं किया ना बेटा, सॉल्व किया तो तेरे हाथ को और ब्रेन को दोनों को याद रहता, अभी सिर्फ तेरे ब्रेन को याद है, हाथ को याद नहीं है, वहां कैसे मैच करेगा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, आप बेसिक गलती क्या करते हो जो मैंने भी की थी, बचपन से लेकर के बड़े होने तक हमने एक पैटर्न फॉलो किया था, पता है क्या, पहले 30% के सिलेबस पे सेमेस्टर होता था, फिर यू नो फिर 50% सिलेबस पे होता था, फिर 50% सिलेबस पे होता था, और फिर फाइनल एग्जाम आती थी, क्या तुम्हें याद है? मतलब हमको 15 साल जब से हम नर्सरी से थे से लेकर के झाड़ जैसे बड़े हो गए तब तक हमारे को एक आदत लगाई गई, 50% सिलेबस, 50% सिलेबस, 100% सिलेबस। हमने क्या किया इंटर में आके, 100, ये थी हमारी गलती। हम 15 साल एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं और आप चाहते हो 15 साल का जो सिस्टम है एक झटके में तोड़ के आगे निकलना, ये गलत है। हमारा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम वैसा रहा है कि हमें आदत है पोर्शन 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 वर्क करने की। रणजी खिलाने वाले को वर्ल्ड कप खेलने लगा दिया तुमने, क्या एक्सपेक्ट कर रहे सेंचुरी मारेगा? तुम खुद सोच के देखो ना यार, क्या गलती हुई है? गलती ये हुई है तुमसे भी और मुझसे भी हुई थी, गलती ये हुई कि हम ये पोर्शन वाइज करना भूल गए, हम भूल गए। नहीं तो आज 8 सब्जेक्ट क्या है, तुमको 9th में भी 8 सब्जेक्ट थे, क्या अलग हो रहा है तुमको उस टाइम में, और हर चैप्टर के अंदर भी 10-10 टॉपिक तो थे ही, यहां पे भी है, तो बहुत हार्ड कुछ हो गया क्या? आप सिस्टम भूल गए, जो 15 साल से करते आ रहे थे वो सिस्टम भूल गए। तुम्हें आदत है ऐसा चलने की, तुम्हारा सिस्टम ऐसा बिगाड़ दिया तो तकलीफ हो रही, बिकॉज वी हैव वर्क्ड विद दिस सिस्टम। नहीं तो कैसे पॉसिबल है किसी को सीए 10वीं 12वीं से भी इजी लग रहा है? करेक्ट है ना, उसको 10वीं 12वीं से बहुत ज्यादा इजी लगना ही चाहिए, एंड ही हैज प्रूव्ड विद हिज मार्क्स, लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? बिकॉज आज भी उस बंदे ने वो प्रैक्टिस को फॉलो करा। आप किसी भी रैंकर से मिलो वो आपसे एक ही बात कहेगा, प्रैक्टिस मोर, थ्योरी लिख के प्रैक्टिस। तुम्हारी गलती क्या हुई? थ्योरी को पढ़ा, फिर अपनी इंग्लिश माशाल्लाह, राइटिंग सुभान अल्लाह, बराबर है, अपनी लिखी अपने को नहीं समझती उसको क्या समझेगी। देखिए मैं आपके सामने चाहता रैंकर भी खड़ा कर देता, मैंने जानबूझ के 2 व्यक्ति आपके सामने ऐसे खड़े किए जिनने फेलियर फेस किया है और फिर सक्सेस चखी है। और मैं आपको खुद बोलता हूं, जब फेलियर देखने के बाद ना सक्सेस चखोगे ना, भयानक मजा आएगा। तुम्हारे पास एक किस्सा रहेगा बताने के लिए, एक स्ट्रगल स्टोरी रहेगी कि साला मैंने भी फेलियर देखा, एक स्ट्रगल स्टोरी रहेगी। और कोई भी पिक्चर तब मजा नहीं आता जिसमें बस सक्सेस 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 हो, तब मजा आता है जब सक्सेस हो, डाउनफॉल हो और फिर सक्सेस हो। वी सॉ गली बॉय, इट इज द सेम थिंग सर। जब तक के फेलियर नहीं आएगा ना भाई, पास होने का मजा नहीं आया। तू बिलीव कर इस बार, देख पास्ट इज पास्ट नेवर इन फ्यूचर। तेरा जो भी कुछ हो गया होगा, तूने बोला होगा कि चल ठीक है, 1 अटेम्प्ट लगा, 2 अटेम्प्ट लगा, 6 अटेम्प्ट लगा, लास्ट अटेम्प्ट है तेरा ओल्ड सिलेबस का, लास्ट चांस है। माइंड भी आप लोगों में से बहुत सो के पास सिर्फ यह आखिरी चांस है अपने आप को प्रूव करने का, एक आखिरी चांस है तुम लोग के पास तुमको प्रूव करने का। बिलीव मी, बहुत से तुम मेरे जितने भाई दोस्त बहन यहां बैठे हैं सबके पास एक आखिरी चांस है अपने आप को प्रूव करने का। माइंड भी तुम में से बहुतों के घर वाले अपना साथ छोड़ चुके होंगे, बोले तेरे को करना है तो तू कर ले, नहीं तो तेरा प्रॉब्लम,
तू देख ले, कईयों के तो घर से आ चुका होगा, छोड़िए नहीं हो रहा है तो MBA कर ले या और कोई डिग्री कर ले। बहुत लोग बोल चुके होंगे और कुछ नहीं हुआ तो दुकान में बढ़िया ना आखिरी बार दे दे। लड़कियों के साथ तो माइंड भी ऐसा हुआ होगा, देखना चालू करें क्या, ससुराल जाके निपटते बैठना। बट क्या हम सच में इस चीज के लिए बने हैं क्या मेरे भाई? नहीं। अगर मैं CPT फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो सकता था तो मेरे अंदर ऐसा क्या हो गया कि मैं पास नहीं हो पा रहा हूं? ऑलमोस्ट तुम सब 70% के ऊपर वाले लोग हो ट्वेल्थ में, 70% से ऊपर वाला, 11th, 12th, 90 प्लस इन अकाउंट, यहां 40 के वांदे हो रहे। क्या हो गया रे, अकाउंट के रूल बदल गए क्या? उसमें तो कभी अमेंडमेंट नहीं आता, ऐसा क्या हो गया बताए? हुआ क्या है? प्रैक्टिस। 11th का टाइम याद कर मेरे भाई, इतनी बार प्रैक्टिस किया था कि नेक्स्ट टाइम तेरे को एंट्री देख के पता चल गया था इधर ही डेबिट है और इधर ही क्रेडिट है, तेरे को पता चल गया था। क्यों? अभी प्रैक्टिस इतने बार की थी मेरे भाई। लास्ट चांस है, अपनी मेहनत को डबल कर। बहुत नींद आती है, ठंडी का टाइम है, पर मेरे भाई तू खुद सोच के देख ले, अगर ये नहीं तो तेरे पास अल्टरनेटिव क्या है? और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम लोग हद पार डिमोटिवेट हो चुके होंगे, कुछ तो डेफिनेटली बहुत हो चुके होंगे, एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, पांच अटेम्प्ट, दस अटेम्प्ट सब कर लिया तो भी नहीं हो रहा। तूने एक चीज जो नहीं करी है ना, वो अपनी डबल से मेहनत। बहुत ठंडी लगेगी सुबह उठने में, बहुत ताकत लगेगी रात तक जगने में, पर मेरे भाई अभी ये चीज नहीं करी ना तो ये सोच तेरे पास ऑप्शन क्या है, कितने दिन तक तेरे घर वाले तेरे साथ रहेंगे। आप में से बहुत लोग मेरे बारे में जानते हैं, तुम्हारे तो भी पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे थे, मेरे साथ तो वो भी गेम नहीं था, खुद करना पड़ता है हर चीज। तुम्हारे सामने एक लड़का दिखाया हूं मैंने, वो आदमी दिन के 3 जॉब करके 4 घंटे सो करके निकाला है, ऐसे ही नहीं मिलता कुछ भी लाइफ में। यहां खड़े रह करके ना 1 घंटा चिल्लाना पड़ता है, दवाई लेके लेक्चर लेना पड़ता है, तब जा करके वो बच्चे को समझ आता है, 4 बार चिल्लाना पड़ता है, आड़ी टेढ़ी हरकतें करनी पड़ती, ऐसे कोई काम नहीं होता, मेहनत से काम होता है। कोई चीज यहाँ पे फ्री नहीं है, दुआ भी फ्री में नहीं मिलती, 1 रुपए देते तो दुआ देता, दुआ भी फ्री में नहीं देती। और तुम ये सोच लो कि आज अगर ये नहीं किया या आज मेहनत नहीं करी आगे क्या, और फर्क कहां पड़ेगा पता है मेरे भाई? फर्क पड़ेगा बस एक ही चीज में, व्हाट यू प्रेफर, यू प्रेफर अ फ्लाइट और यू प्रेफर है ST महामंडल। मैं ये नहीं कह रहा कि ST में घूमना एक गलत बात है, पर हर आदमी के ड्रीम होते हैं, हर आदमी के ड्रीम होते हैं। तुम सोचो तुमको क्या चाहिए और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, माइट भी दिन माइट भी रात, पागलों के जैसे मेहनत करो, जितना टाइम मिल रहा टाइम से टाइम निकाल करके वर्क करो, तुम्हारे पास टाइम वैसे ही बहुत कम है। मार्च बचा है, अप्रैल बचा है, फरवरी को तो काउंट ही मत करो, मार्च बचा है, अप्रैल बचा है, स्टिल हो सकता है क्या? मैं कहता हूं हाँ हो सकता है, तू चालू तो कर, तू यही सोचने में टाइम वेस्ट कर देता, हो सकता क्या? अबे चालू तो कर, होगा नहीं होगा बाद में देखेंगे, पहले चालू तो कर मेरे भाई किसी चीज को, ऐसे नहीं होता है वर्कआउट। माइंड भी ऐसा लगेगा दोपहर में नींद आ रही, सोना है, ये है वो है, सब कुछ करते हुए करना पड़ेगा। हमारे को भी लगता चले यार आज लेक्चर नहीं लेते, बच्चे भी खुश अपन भी खुश, पर काम ऐसे नहीं होता, हर चीज तुम्हारी मर्जी से नहीं होती। वर्क मोर एंड मोर हार्डर दिस टाइम, इस बार तुमको थोड़ा डबल मेहनत करना पड़ेगा। अमेंडमेंट तो ज्यादा है ही है, पर इस बार ना तुम्हें बदले की लड़ाई लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा बदला वाला लड़ाई लेना पड़ेगा। दोस्त अगर तुम्हारा सी, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ दोस्त दुनियादारी में मरे हैं, लिटरल सेंस में दोस्त दुनियादारी में ज्यादा मरे, दोस्त की हेल्प करना था, उसकी हेल्प करना था, वो तो पहुंच गई फाइनल में। तुम्हारा देखो दोस्त दुनियादारी, अबे सब कुछ छोड़, तेरा दोस्त होगा ना वो सीरियस, अगर सच में तेरा दोस्त होगा ना वो बात को समझ लेगा, और नहीं होगा तो तुझे ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है, तुझे सच में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। अगले 2 महीने ना अपने आप को पूरा इनविजिबल कर दो। दोस्त दिख रहा है भाई मेरे को पढ़ने का है, लाइब्रेरी में एकदम कोने में जाके बैठ, कोई भी चीज जो तेरा टाइम पास कर रही होगी उसको छोड़ना पड़ेगा, एनीथिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मोबाइल मत यूज करो, ये मत यूज करो, बेवकूफ बातें, मैं बिलीव ही नहीं करता इस बात पे। सब रखो, साइलेंट कर देने का, बंद कर देने का, मम्मी पापा को क्लियर कट बोले,
इमरजेंसी मम्मी पापा से ऊपर तो कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आ सकता, तुम इतने इंपॉर्टेंट अभी तक हुए नहीं, क्योंकि जब तुम पैसे ही नहीं कमा रहे हो तो तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो, सीधा बात। तो बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, बार बार ये करना, तुमको कुछ नहीं आ सकता। सामने वाले को भी अगर सी, मैं खुद लव अफेयर में रहा हूँ तो मैं तुमको खुली बात बोलता हूँ, सामने वाले को भी एक टाइम कम्युनिकेट करके रख दो। सच में तुमसे प्यार करता होगा ना, समझेगा इस बात को, एक टाइम कम्युनिकेट करके रख देने का, इस टाइम से इस टाइम तेरा टाइम, इस टाइम से इस टाइम फैमिली टाइम, पूरे फैमिली वाले की फैमिली ग्रुप पे मैसेज करने का, मेरे को कॉल या मैसेज करने का, इस टाइम पे करने का, बाकी मेरा फोन बंद, बोल के रख दो, फोन बंद नहीं करने का, बोल के रख देने का, क्लियर कट मैसेज। और तब तक अपने आप को बख्शना मत, तुम मरोगे नहीं ये बात श्योर है। मैं खुद भी बोलता हूँ ना लेक्चर लेते वक्त, मैं मरूंगा नहीं टेंशन मत लेना, अपने आप को बख्शो ही मत किसी भी चीज़ में। अगले 60 दिन तुम्हारे पास है ये समझ के चल लो, और तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, फरवरी में 29 डेज है, एक दिन वहां का भी मिल रहा है, एक दिन भी यूटिलाइज करना मत छोड़ो। जितनी शॉर्ट हो सकती चीजें उतनी शॉर्ट कर, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस जिधर से हो रही उधर से कर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिधर से हो रही उधर कर। पर तेरे को इस बार करनी है, प्लान बना, टेस्ट पेपर दे, टेस्ट सीरीज दे, बार बार लिख, थ्योरी लिख, सबसे ज्यादा जिनको थ्योरी में प्रॉब्लम है, थ्योरी लिख लिख लिख, तेरे को समझ में आएगा तूने लिखा क्या और हो क्या रहा है।